डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लाइजोसोम्स। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? हम लाइजोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने पढ़ा भी लाइजोसोम्स, देखो इसका नाम लाइजो और सोम्स। कभी भी बॉडी में कहीं पर भी हमारे बायोलॉजी में सोमा वर्ड आता है, सोम मतलब कहीं पर भी, तो किसको रिकॉग्नाइज करेगा? बॉडी को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, किसी भी बॉडी को। और यहाँ लाइजो का मतलब क्या होता है? लाइसिस। और लाइसिस मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन, किसी चीज़ को तोड़ना। क्या होता है बेटा? किसी चीज़ को तोड़ना, तो ये किसी चीज़ को तोड़ता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? लाइजोसोम्स। एक ऑर्गेनली है जो किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करेगा, डाइजेस्ट करेगा, इसीलिए इसे हम क्या नाम देते हैं? लाइजोसोम्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? हम लाइजोसोम्स कहते हैं। अगर हम बात करेंगे इसकी डिस्कवरी के बारे में, तो इसकी जो डिस्कवरी है ये किसके नाम जाती है बेटा? क्रिश्चियन डी ड्यू। किन्होंने डिस्कवर किया बेटा इसको? क्रिश्चियन डी ड्यू ने डिस्कवर किया है। क्या क्या बेटा? क्रिश्चियन डी ड्यू ने क्या क्या बेटा इसको डिस्कवर किया है? वह जो नाम है, द नेम गिवन बाई नोविकोफ, द नेम गिवन बाई नोविकोफ। तो ये चीज़ें याद रखना, इसकी डिस्कवरी किसके नाम जाएगी? क्रिश्चियन डी ड्यू के नाम, डी यू वी ई। एंड इसका जो नाम है, द टर्म लाइजोसोम इज गिवन बाई नोविकोफ, ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करेंगे लाइजोसोम, आपने सब ने पढ़ा हुआ है लाइजोसोम को हम क्या कहते हैं? इट इज़ नॉन एज द क्लीनर ऑफ अ सेल। क्या कहेंगे इसको हम? क्लीनर ऑफ अ सेल कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? डिस्पोजल ऑफ अ सेल, ठीक है। इसे हम क्या नाम देते हैं? स्वीपर ऑफ अ सेल भी कहेंगे। तो एक हमने क्या कहा? क्लीनर। ये क्या करता है? सेल की सफाई करेगा। डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब हमारे पास क्या होगा? डिस्पोज, इसको बाहर निकालने का काम करेगा। स्वीपर भी क्या करता है बेटा? सफाई करने का काम करता है। इसलिए से हम क्या कहेंगे? क्लीनर ऑफ अ सेल, डिस्पोजल ऑफ अ सेल या स्वीपर ऑफ अ सेल कहेंगे। अब देखो, जैसे हमारे रूम के अंदर, हमारे रूम के अंदर क्या हो गया बेटा? कचरा आ जाता है, तो कचरे को हमने क्या किया? उसको बाहर निकाला, उसको साफ़ किया। इन द सेम वे, इन द सेम वे, when any foreign particles, when any foreign particles enter into the cell, जब भी कोई foreign particle cell के अंदर enter कर जाएगा, foreign particle कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कोई भी bacteria हो सकता है, anything else कुछ भी हो सकता है, जब भी वो किसके अंदर enter कर गया है? cell के अंदर, तो lysosomes के अंदर enzymes होते हैं। lysosomes के अंदर क्या होते हैं बेटा? enzymes होते हैं। तो लाइजोसोम क्या करता है, ठीक है, एंजाइम के बारे में हम डिस्कस करेंगे किस तरह के एंजाइम होंगे। तो लाइजोसोम्स क्या करेगा? उन्हें एंगल्फ, उन्हें खा जाता है। क्या होगा बेटा? ये फॉरेन पार्टिकल्स आए, फॉरेन पार्टिकल्स साइटोप्लाज्म के मूव करते करते कहाँ चले जाएंगे? लाइजोसोम्स के अंदर चले जाएंगे। और लाइजोसोम्स क्या करते हैं बेटा? उनको खा जाएगा। इसीलिए हम लाइजोसोम्स को क्या कहते हैं? क्लीनर ऑफ अ सेल। खाली उसने उस फॉरेन पार्टिकल को खाया है, ठीक है, इसलिए हम क्या नाम देते हैं? क्लीनर ऑफ अ सेल कहते हैं। आ रही ना मेरी बात समझ में? कभी कभी इसको हम क्या भी नाम देते हैं? सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। आपने मेन पढ़ा होगा सुसाइडल बैग्स। तो इसमें और इसमें दिन रात का फ़र्क होता है। अगर हमारे पास आया कि लाइजोसोम को हमने क्लीनर ऑफ अ सेल क्यों कहा था, हम क्या कहेंगे? व्हेन एनी फॉरेन पार्टिकल एंटर इनटू द सेल, देन लाइजोसोम एंगल्फ, एंगल्फ का मतलब खाना, द फॉरेन पार्टिकल, और क्लीन द सेल, वो क्या करेगा? सेल को क्लीन करेगा। सुसाइडल बैग का मतलब क्या? देखो, किसी के पीछे भी ICIDE वर्ड लगता है, उसका मतलब होता है टू किल। क्या होता है बेटा? उसका मतलब क्या होता है? टू किल, कि उसे मारना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, इंसेक्टीसाइड्स पढ़ा हुआ है आपने, पढ़ा है ना बेटा, इंसेक्टीसाइड्स पढ़ा हुआ है आपने, फंगीसाइड्स पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए ना इस तरह से, ये सारे के सारे मतलब इंसेक्ट को मारने वाले, फंगस को मारने वाले, हर्बिसाइड हर्ब्स को मारने वाले। सू का मतलब होता है सेल्फ, और साइड का मतलब होता है किल, अपने आप को मारने वाले, मतलब सेल को ख़त्म कर देते हैं। उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? सुसाइडल बैग भी कहेंगे। ये कब होता है? व्हेन अ सेल, व्हेन अ सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज डिस्टर्ब, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज डिस्टर्ब। जब एक सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती है? डिस्टर्ब। मेटाबॉलिक जो सेल काम कर रही होती है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है। ये जनरली कौन सी सेल्स के अंदर होता है? कि जो सेल्स के अंदर डिजीज, एक तरह से कुछ भी वो सेल प्रॉपर काम नहीं कर रही है, या जो एजिड सेल्स होती हैं, इनके अंदर जनरली क्या होती है? इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। इन दैट कंडीशन लाइजोसोम्स क्या होंगे? बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। देखो, इसमें लाइजोसोम बस्ट नहीं हो रहा, लाइजोसोम अपने अंदर इन फॉरेन पार्टिकल्स को ले लेता है और उसे किल करने का काम करेंगे। और इसके अंदर जब सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, इन दैट कंडीशन लाइजोसोम बर्स्ट,
फट गए, फटते ही उसके एंजाइम क्या हो जाएंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे। और एंजाइम क्या हो गए, बाहर रिलीज होते ही क्या हो गया बेटा, बाहर रिलीज होते ही क्या हो गया है, क्या हो गया बेटा, वो सारी की सारी सेल को ही खाना शुरू कर देता है। इन दैट कंडीशन इट इज़ नॉन एज द सुसाइडल बैग। इसे हमने क्या नाम दिया, सुसाइडल बैग। अभी तक आप 8th क्लास के अंदर यही चीज़ें पढ़ के आए, एक आपने क्या कहा क्लीनर ऑफ अ सेल, एक हमने क्या कहा सुसाइडल बैग, इन दोनों में फ़र्क है। मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल बता के दूँ, जैसे कि हम जू में जाते हैं, चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर के अंदर पिंजरे के अंदर क्या होता है, एक लॉयन होता है। सबको पता भाई लॉयन क्या होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। ये लॉयन है, चिड़ियाघर है और चिड़िया जू है, जू के अंदर क्या हो गया लॉयन हो गया। हम लॉयन को कुछ भी खाना, लॉयन को हमने कोई देना तो खाना उसके पिंजरे में ही देते हैं, यानी कि हमने पहले लॉयन को बाहर निकाल देते हैं, वो जो उसके मन में आए उसे खा लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने लॉयन को कुछ देना है तो हमने क्या किया उसको पिंजरे में डाल दिया और लॉयन उसे खा लेता है, खा लेते ना। इन द सेम वे हम क्लीनर ऑफ अ सेल क्या कह रहे हैं, हमने जू को क्या नाम दे दिया है सेल, और लॉयन हमने क्या कह दिया लाइजोजोम्स कह दिया, क्या कह दिया हमने लाइजोजोम्स कह दिया लाइजोजोम्स, ठीक है बेटा। अब हमने सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया है तो वो किसके अंदर चला जाएगा, लाइजोजोम के अंदर, और लाइजोजोम उसे क्या करेगा, ख़त्म काम करेगा। अब हमने कभी हमारा पिंजरा टूट गया, हमारा पिंजरा क्या हो गया टूट गया, और लॉयन क्या हो गया बाहर निकल गया सेल से। अब उसे तो कोई भी चीज़ मिलेगी उसको तो वो खाना शुरू कर देगा, कोई एनिमल मिल रहा है दूसरा, कोई ह्यूमन बींग मिल रहा है, किसी को भी क्या करेगा वो तो मार देगा, खा जाएगा। मतलब उसने अपने जू को क्या कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया है, अपने जू को क्या कर दिया उसने ख़त्म, जहाँ पे रह रहा था उसको क्या कर दिया है ख़त्म। इन द सेम वे क्या हुआ, जब हमारी सेल की एक्टिविटी, मतलब जो हमारे जू था, जो सेल थी, वो क्या हो गया डिस्टर्ब हो गई, फट गई है, तो उस टाइम लाइजोजोम भी बाहर रिलीज हो गया। मतलब बाहर तो लाइजोजोम के बाहर रिलीज होते ही फट गए, फटते ही उसके जो एंजाइम, उसे कुछ ना कुछ खाने की चीज़ चाहिएगी, और अपनी सेल को क्या करता है खाना शुरू कर देता है। इस कंडीशन में हम क्या नाम देंगे उसे, सुसाइडल बैग। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, हमने क्लीनर कब कहा है उसे सुसाइडल बैग। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, इतना आप 8th क्लास के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं। जो आपको थोड़ा सा अलग पढ़ना है यहाँ पे, वो क्या चीज़ पढ़नी है बेटा, अब ध्यान देंगे। अब तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये आ गया कि लाइजोजोम्स हैं भाई, हमने क्या कहा वो लाइजोजोम कोई भी चीज़ खा रही थी, रप्चर होके खा रही, उसके अंदर क्या बताए हमने एंजाइम्स बताए हैं, उसके अंदर हमने क्या बताया है बेटा एंजाइम्स। अब क्वेश्चन आता है ये एंजाइम्स हैं क्या, एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, जो किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे, क्या करते हैं ब्रेकिंग डाउन के अंदर जो वो क्या होंगे बेटा एंजाइम्स होंगे। और इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम एंजाइम की 6 अलग अलग कैटेगरी होते हैं, और इसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहेंगे, यानी हम क्या कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहेंगे, क्या कहेंगे इसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम। अलग अलग तरह के यहाँ पे जो हमारे एंजाइम है वो ब्रेकिंग डाउन करता है, अब वाटर की प्रेजेंस में करता है, इसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, डाइजेस्ट करने के डाइजेस्ट टाइप में करता है, इसलिए इसको डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये आता है कि लाइजोजोम में जो एंजाइम वो कौन सी टाइप के होंगे, तो या तो हाइड्रोलिटिक मिलेगा या डाइजेस्टिव, मेन क्या कहे जाते हैं बेटा उनको हाइड्रोलिटिक कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। अब सेकेंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, ये भी क्या दिया हुआ है कि इसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे, एंजाइम्स ऑफ लाइजोजोम्स आर फॉर्म्ड बाय, किससे बनेंगे वो, तो किससे बनते हैं बेटा, हमने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमने दो टाइप्स बताई थी, एक बताई थी आरईआर और एक बताई थी हमने एससीआर। आरईआर का मतलब क्या होता है रफ, और एससीआर का मतलब होता है स्मूथ। रफ का मतलब क्या था बेटा प्रोटीन, और प्रोटीन आगे जाके क्या बनाते हैं एंजाइम, तो कौन बनाएगा बेटा लाइजोजाइम में जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें मेनली कौन बनाता है आरईआर। द मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, एंजाइम्स ऑफ द लाइजोजोम्स आर फॉर्म्ड बाय द आरईआर, ठीक है गुड, इतना आपको समझ में आया एंजाइम। अब हमारे पास आता है ये लाइजोजोम्स बना कैसे है, हमने आपको गोल्जी बॉडीज का फंक्शन बताया था, लाइजोजोम्स आर मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम दीज आर, बताओ वेरी गुड, फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडीज, किससे बने हैं बेटा ये गोल्जी बॉडीज से बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं गोल्जी बॉडीज से बने हुए हैं, ठीक है किससे बने हुए हैं बेटा ये मेनली गोल्जी बॉडीज से बने हुए हैं। अब देखो किस तरह से बनेंगे, अब याद रखना जनरली जो लाइजोजोम होते हैं अलग अलग फॉर्म में मिलेंगे, अलग अलग फॉर्म में मिलने के कारण इसे हम क्या कहते हैं पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गनली भी कहते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन आता है विच सेल ऑर्गनली इज पॉलीमॉर्फिक इन नेचर, पॉली का मतलब क्या हो गया अलग अलग, मैनी हो गया, मॉर्फिक का मॉर्फो का मतलब होता है फीचर्स शेप, अलग अलग तरह के,
मॉर्फोलॉजी से एक्सटर्नल फीचर्स जिसे हम कहेंगे अलग अलग फॉर्म में मिलेंगे वो कौन होंगे बेटा, लाइजोसोम्स होंगे। कौन होंगे वो? लाइजोसोम। तो इसको याद रखना, विच सेल ऑर्गेनेल इज पॉलीमॉर्फिक इन नेचर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लाइजोसोम। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कितने होगी, देखो मेली टाइप क्या होगी, प्राइमरी लाइजोसोम, किससे बने हुए हैं? गॉल्जी बॉडीज। और गॉल्जी बॉडीज के भी किससे बने हैं बेटा, ये वेसिकल्स ऑफ गॉल्जी बॉडीज, किससे बनेंगे बेटा? वेसिकल्स ऑफ गॉल्जी बॉडीज। अब कोई चीज़ है इसको ट्रांसपोर्ट नहीं करने आया, कोई वेस्ट आती है तो ये घूमती घूमती वेसिकल्स के अंदर जाती है। वेसिकल्स किस में मॉडिफाइड होंगे? प्राइमरी लाइजोसोम में। वहाँ वेसिकल्स के अंदर क्या आ जाते हैं, क्या बन जाते हैं? डाइजेस्टिव, आर ई आर था वो क्या बना देता है बेटा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स बना देगा। तो जो मेन होते हैं, और ये हमेशा कैसे साइज़ के होंगे? स्मॉल साइज़ के होंगे। क्या होंगे बेटा? ये स्मॉल साइज़ के होंगे। जैसे हमारे कोई भी चीज़ है, वेसिकल्स थे, वेसिकल्स के अंदर क्या, आर ई आर ने क्या बना दिया? डाइजेस्टिव एंजाइम। एट दिस टाइम उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? प्राइमरी लाइजोसोम कह रहे हैं। क्या नहीं दे रहे हैं? प्राइमरी लाइजोसोम। तो तुम्हारे क्वेश्चन को याद रखना, विच लाइजोसोम हैव द डाइजेस्टिव एंजाइम, स्टार्टिंग में जो बनेंगे उसे हम क्या नाम देंगे बेटा? प्राइमरी लाइजोसोम नाम देंगे। क्या नाम देंगे? प्राइमरी लाइजोसोम। अब सेकेंड हम क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी लाइजोसोम कहेंगे हम। क्या कहेंगे बेटा सेकेंड को हम? सेकेंडरी लाइजोसोम्स। क्या नाम देंगे बेटा हम? सेकेंडरी लाइजोसोम्स कहेंगे हम। सेकेंडरी का मतलब होता है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कुछ इस किसके अंदर, हम प्रोटोजोआ के अंदर, अमीबा वगैरह के अंदर अगर हम बात करते हैं, आपको सबको पता भाई फूड वैक्यूल बनते हैं। क्या बनेंगे बेटा? फूड वैक्यूल बनते हैं। आपने अमीबा में पढ़ा होगा, खाना लेता है इस तरह से, जैसे उसका खाना अंदर चला गया तो क्या बनेगा? फूड वैक्यूल बनेगा। अब फूड वैक्यूल में अपने आप कोई एंजाइम थोड़ी ना होती कि इस फूड को डाइजेस्ट करेगा, उससे क्या अटैच हो जाता है? लाइजोसोम अटैच हो जाता है। अब यहाँ इस फूड वैक्यूल से जो ये प्राइमरी लाइजोसोम होते हैं, प्राइमरी लाइजोसोम अटैच हुआ है, बना है, यही हम क्या कहेंगे बेटा? सेकेंडरी लाइजोसोम कहेंगे। कि प्राइमरी लाइजोसोम कंबाइंड विद मतलब कंबाइंड का मतलब हम क्या कह रहे हैं? फ्यूज हो जाएगा। प्राइमरी लाइजोसोम फ्यूज विद द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। इस कंडीशन को हम क्या नाम दे रहे हैं? सेकेंडरी लाइजोसोम कह रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? सेकेंडरी लाइजोसोम कह रहे हैं। ठीक है, एक होता है ऑटोफेजिक लाइजोसोम्स, एक हमने क्या कहा बेटा? ऑटोफेजिक। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। फैजिक का मतलब क्या होता है? खाना। मैंने आपको फैगोसाइटोसिस बताया, मतलब सॉलिड चीज़ में किसी चीज़ को ईट करना, ईटिंग। और लाइजोसोम इसे हमने क्या नाम दे रहा? ऑटोफेजिक लाइजोसोम कह रहे हैं। अब देखो बेटा, ऑटो जैसे कि अब हमारी सेल है, यहाँ पे हमने क्या कहा? प्राइमरी लाइजोसोम ही है। अब इसके अंदर क्या होगा? कोई सेल ऑर्गेनेलीज हमारी डैमेज हो गई है, हमारी कोई सेल ऑर्गेनेलीज क्या हो गई है? डैमेज हो गई है। ठीक है, हमारी सेल ऑर्गेनेलीज क्या हो गई है? डैमेज हो गई है। अब इस सेल ऑर्गेनेलीज अगर यहीं पे पड़ी रहेगी तो उसके अंदर जो भी केमिकल था वो टॉक्सिक प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो प्राइमरी लाइजोसोम्स होता है वो किससे फ्यूज हो जाता है? फ्यूज विद डेड सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो उस कंडीशन उसे हम क्या नाम देंगे? ऑटोफेजिक। पर अपने ही सेल के एक पार्टिकल को खा गया, सबको डैमेज नहीं किया बेटा, सुसाइडल बैग। और इसके अंदर फर्क समझना, जो हमारी क्या थी, कोई भी डैमेज सेल ऑर्गेनेलीज थी, जब भी डैमेज जो खराब हो चुकी थी, नॉन फंक्शनल थी, उसके साथ प्राइमरी लाइजोसोम क्या होता है? कंबाइंड हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा और उस सेल ऑर्गेनेलीज को खा जाता है। उसके एंजाइम क्या करेंगे? उसे बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। इन दैट कंडीशन उसे हम क्या नाम देते हैं? ऑटोफेजिक लाइजोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? ऑटोफेजिक लाइजोसोम्स कहेंगे। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म के अंदर मिल रहा है, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और टर्सरी। प्राइमरी जो सबसे पहले बनेंगे, ओनली एंड ओनली डाइजेस्टिव एंजाइम है। जब यही प्राइमरी लाइजोसोम किसके साथ कंबाइन हो जाएंगे? फूड वैक्यूल के साथ, तो सेकेंडरी लाइजोसोम कह देंगे। जब यही प्राइमरी एंजाइम किसके साथ कंबाइन हो जाते हैं? किसी डैमेज सेल ऑर्गेनेलीज के साथ में, तो इसे हम क्या नाम देंगे? ऑटोफेजिक लाइजोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? ऑटोफेजिक लाइजोसोम्स कहेंगे। ठीक है बेटा, आ रही है मेरी बात समझ में? तो हमने क्या पढ़े हैं? लाइजोसोम्स पढ़ लिए। क्या पढ़ लिया हमने बेटा? ये लाइजो
एक्सोम्स दोबारा से एक बार हम डिस्कवर करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। लाइजोसोम हमने क्या कहा बेटा, जो ब्रेकिंग किसी चीज़ को ब्रेक कर रही है, डाइजेस्ट कर रही है, इसलिए इसको हमने क्या नाम पढ़ा है, लाइजोसोम। और ये नाम किसने दिया था, नोविकोफ ने दिया था। और डिस्कवरी किसने दी बेटा, क्रिश्चियन डी ड्यू ने डिस्कवर किया था। इसको हमने क्या कहा, क्लीनर ऑफ अ सेल है। कोई भी चीज़ कर रही हो मेनली किसके कारण कर रही बेटा, एंजाइम्स के कारण करेगी। और ये एंजाइम कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, हाइड्रोलाइटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम। और मेनली इन एंजाइम को बनाएगा कौन, आरईआर बनाता है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे याद रखना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बनाएगा, ठीक है। हमने लाइजोसोम को क्या कह रहे हैं, क्लीनर ऑफ अ सेल कह रहे हैं, या इसे हम क्या कह रहे हैं, सुसाइडल बैग कह रहे हैं। क्लीनर ऑफ अ सेल है, डिस्पोजल ऑफ अ सेल है, स्वीपर ऑफ सेल। हमने कब कंडीशन में कहा, कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया है, या कोई जो सेल डैमेज हो गई थी, कोई भी हमारी सेल ऑर्गेनलीज डैमेज हो गई थी, ठीक है, एट दैट टाइम उसे क्या करता है, खत्म करने का काम करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्लीनर ऑफ अ सेल। उसके साथ फ्यूज हो जाएगा और क्या करेगा बेटा, उसे वो खत्म कर देगा। और सुसाइडल बैग हमने क्या कहा, जब हमारी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है तो लाइजोसोम फट जाते हैं, इन दैट कंडीशन उसे हम क्या कहेंगे, सुसाइडल बैग, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन आएगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी एक हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसके बारे में, ठीक है बेटा। हमने क्या कही, अलग अलग फॉर्म में मिलता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेलीज कहेंगे। एक हो गया प्राइमरी लाइजोसोम, जो मेन वेसिकल से बना होगा, उसके अंदर ऑनली डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी लाइजोसोम कहेंगे। सेकेंडरी लाइजोसोम हम क्या कहेंगे, जो फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाएगी। एंड थर्ड हम क्या कहेंगे, ऑटोफेजिक। इसी में हमारी सेल को हम क्या नाम दे रहे हैं, क्लीनर। ऑटोफेजिक लाइजोसोम हमारी सेल को क्या कर रहा है, क्लीन करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे, ये भी करता है और प्राइमरी भी करेगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे, नॉर्मल कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करेगा तो प्राइमरी ख़त्म कर देगा, लेकिन अगर हमारे पास कोई सेल ऑर्गेनेल डैमेज है तो उस टाइम भी सेल को क्लीन करने का काम कौन करेगा, ऑटोफेजिक लाइजोसोम। अब हमने क्या कहा बेटा, अभी मैंने कहा था क्वेश्चन है सुसाइडल बैग्स, हमने कहा इमेजिन करो ये हमारी सेल का ग्रुप है, इनमें से ये सेल की एक्टिविटी खराब हो गई, डिस्टर्ब हो गई, सेल फट गई, लाइजोसोम रिलीज हो गया। तो इस लाइजोसोम ने आज ज़्यादा नहीं कर सकते, इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि पूरी की पूरी सेल को ही खा जाएंगे, पूरे की पूरे टिश्यू को ही डैमेज करेंगे, नहीं। ये जैसे ही रप्चर हो गए तो इन्होंने क्या किया बेटा, इनकी मेटाबॉलिक अपने आप खत्म हो जाती है। इन्होंने इतने को क्या कर लिया है, सेल को ख़त्म कर दिया, इतनी सेल को इन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म किया। तो उस कंडीशन को हम ऑटोलाइसिस कहेंगे। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, डाइजेस्ट। अपनी सेल को इसने डैमेज कर दिया, उसे हमने क्या कहेंगे, ऑटोलाइसिस कंडीशन कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना क्या कह रहे हैं बेटा, ऑटोलाइसिस। अब इन्होंने क्या किया, हमारी सेल्स थी, ये बीच का हिस्सा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हमारे यहाँ पे कोई ये गैप बन गया है, ये क्या बन गया है, गैप। अब ये नहीं कि गैप ऐसे ही रहेगा, तो क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग ऑटोलाइसिस। तो आपने ऑटोलाइसिस का मतलब समझ में आया, ऑटोलाइसिस मतलब सुसाइडल बैग हो रहा है, जब इन्होंने अपनी सेल को डैमेज कर दिया है। ऑटोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, जब इन्होंने अपनी सेल को डैमेज करके वहाँ पे गैप क्रिएट कर दिया है। ड्यूरिंग ऑटोलाइसिस द गैप इज फॉर्म्ड, अ गैप इज फॉर्म्ड, देन व्हाट विल हैपन, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा कोई बता सकता है मुझे, इसमें क्या होगा। हर एक सेल के अंदर किसकी पावर होती है बेटा, डिवीजन की पावर होगी। सेल हैज द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, सेल के अंदर किसकी पावर होती है, डिवीजन। तो ये सेल डिवाइड करेंगी, बची हुई सेल क्या करती है, डिवाइड करती है, एंड फिल द गैप, इस गैप को क्या कर देती है, भर देती है। हमारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के अंदर ये चीज़ दी हुई है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। दोबारा से हम करेंगे, जब सुसाइडल बैग हो जाता है, जब अपनी सेल को खा जाता है, उस हम कंडीशन को क्या नाम दे रहे हैं, ऑटोलाइसिस कह रहे हैं। तो उस ऑटोलाइसिस में गैप बनेगा, और ये गैप किससे भरा जाएगा बेटा, बाय द सेल डिवीजन। तो इसे हमने क्या कहा बेटा, लाइजोसोम्स। क्या कहा, लाइजोसोम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके।